नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र साहू हेयर एंड केयर रायपुर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन बॉन्डिंग और क्लिपिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लिपिंग वाले के बारे में। दोस्तों क्लिप में क्या होगा, जिसके सिर में बाल नहीं है, गंजापन आ चुका है, बाल आपके झड़ चुके हैं, आपका हेयर स्टाइल नहीं आ पा रहा है, तो आप आराम से क्लिपिंग हो या सिलिकॉन बॉन्डिंग हो या टेपिंग आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, दोनों ही पीस में पीस एक ही होता है। एक सिस्टम में हमें क्लिप अटैच करना पड़ता है और दूसरे में बिना क्लिप का होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लिपिंग के बारे में। इस तरह से यह नेट है, इस नेट के अंदर बालों का फिलअप है, इस नेट के अंदर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप को क्या करते हैं, किनारे वाले बालों में अटैच कर देते हैं। क्लिप ऑलरेडी इसके अंदर फिक्स है, इसको निकालने की जरूरत नहीं होता है। और ये यही क्लिप जो होता है किनारे वाले बाल जो आपके मजबूत बाल होते हैं साइड में, उन्हीं बालों के साथ ये जो है क्लिप जो है जाकर के अटैच हो जाता है, जिसमें आप आराम से कंघी कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बाइक चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलिकॉन बॉन्डिंग के बारे में। दोस्तों सिलिकॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, पीस यही होगा। अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें क्लिप नहीं लगा हुआ है, इस क्लिप नहीं लगा है यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलिकॉन एडहेसिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिलिकॉन करना है तो क्लिप हमें नहीं लगाना है, और सिलिकॉन एडहेसिव करना है तो क्लिप न लगाने की वजह से इसमें हम क्लिप सिलाई नहीं की, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से इस पीस है, इस पीस के अंदर साइड में हम टेप लगाएंगे, टेप लगाने के बाद सिलिकॉन एडहेसिव से हम चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे, सिलिकॉन एडहेसिव से आपके किनारे वाले बालों के साथ पेस्ट कर देंगे, जिसमें हम ओरिजिनल बालों की तरह जो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाना धोना कंघी करना शैम्पू करना बाइक चलाना जो भी आप करते हैं ओरिजिनल बालों के साथ, वो सब कुछ करते हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिलिकॉन बॉन्डिंग एक प्रकार का फिक्स हो चुका है, जिसमें अपन लगे हुए सब कुछ करते हैं जो हम ओरिजिनल बालों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन बॉन्डिंग में हमें हर महीने आना पड़ता है मेंटेनेंस करने के लिए। दोस्तों सिलिकॉन बॉन्डिंग में हमें सर्विसिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन बॉन्डिंग एडहेसिव से हम किनारे वाले बालों के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे ही आपका किनारे वाले बाल बढ़ेगा तो वो अपनी जगह से लूज होता है, लूज होने की वजह से हमें उसको हर महीने में एक बार वापस रिफ्रेश करना पड़ता है। इस तरह से सिलिकॉन एडहेसिव वाले में हमें हर महीने सर्विसिंग के लिए आना पड़ता है, जो कि क्लिप वाले में हमें नहीं आना पड़ता है। क्लिप वाले में आप आराम से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वापस घर पे रिमूव करके वापस फिर आप उसको लगा सकते हैं, जो कि फिक्स वाले में आप उसको निकालेंगे नहीं, वो फिक्स रहेगा। इस तरह से क्लिप और सिलिकॉन बॉन्डिंग में ये अंतर होता है। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आराम से अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, गंजेपन आ चुका है, आप आराम से हेयर पैच के इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। थैंक यू।